महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा को लेकर बड़ी सियासत, मातोश्री के बाहर बड़ी संख्या में जमा शिवसैनिक। विधायक राणा ने मातोश्री में हनुमान चालीसा का पाठ करने को लेकर धमकी दी, शिवसैनिक जमकर नारेबाजी कर। विधायक रवि राणा ने दिया था बयान, मातोश्री में हनुमान चालीसा का पाठ करें उद्धव ठाकरे। अमरावती में विधायक रवि राणा ने हनुमान चालीसा बजाने के लिए बांटे 50 लाउड स्पीकर, कहा सब जगह होना चाहिए हनुमान चालीसा का पाठ। महाराष्ट्र में हनुमान जयंती के मौके पर बीजेपी भी सक्रिय, मंदिरों में बांट रही है लाउड स्पीकर। हनुमान जयंती पर तेज हुई एमएनएस बनाम शिवसेना की लड़ाई, सामना के दफ्तर के सामने लगाया गया पोस्टर। संजय राउत के खिलाफ लगाया गया पोस्टर, एमएनएस की तरफ से जवाबी हमला। राज ठाकरे को ओबीसी कहने पर भड़के एमएनएस, पोस्टर लगाकर चेतावनी दी। हनुमान जयंती पर पुणे में हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन, राज ठाकरे भी शामिल होंगे। शाम 6 बजे से हनुमान जयंती के कार्यक्रम में शामिल होंगे राज ठाकरे, एमएनएस कार्यकर्ता रहेंगे साथ। एमएनएस ने पुणे में किया महाआरती का आयोजन, राज ठाकरे ने मस्जिदों से 3 मई तक लाउड स्पीकर हटाने का दिया है अल्टीमेटम। एमएनएस की तैयारियों पर महाराष्ट्र सरकार की पैनी नजर, सूबे के गृहमंत्री बोले किसी को नहीं होगी शांति भंग करने की इजाजत। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर से चालीसा पाठ पर सियासत तेज, मंत्री आदित्य ठाकरे बोले लाउडस्पीकर का इस्तेमाल महंगाई पर चर्चा के लिए करें। प्रदेश कांग्रेस कमेटी अपने दफ्तर में मना रही है हनुमान जयंती, भंडारे का आयोजन। भिवानी में कृषि मंत्री जेपी दलाल भी पहुंचे हनुमान मंदिर, कहा देवी देवताओं की शक्ति के कारण दुनिया में भारत का सिक्का। गुजरात के मोरबी में 108 फीट ऊंची हनुमान की प्रतिमा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने किया लोकार्पण। सिर्फ हनुमान जी की मूर्तियों की स्थापना का ही संकल्प नहीं है, बल्कि ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प का भी हिस्सा है। हनुमान चारधाम परियोजना के तहत देश के 4 दिशाओं में ही हनुमान की मूर्ति की स्थापना, मोरबी में प्रतिमा दूसरी। पश्चिम बंगाल के हुगली में हनुमान मंदिर के ध्वजा फाड़े जाने को लेकर तनाव, बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। बीजेपी ने टीएमसी पर लगाया आरोप, मौके पर पुलिस की तैनाती। दिल्ली में भी हनुमान जयंती पर मंदिरों में भीड़, भव्य तरीके से मंदिरों को सजाया गया। पुणे के नानापेट इलाके में सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल, हिंदू और मुस्लिम ने मिलकर सजाया मंदिर। हनुमान मंदिर के परिसर में ही दरगाह, इफ्तार के लिए भी दोनों धर्म के लोगों का सहयोग। पटना के महावीर मंदिर में हनुमान जयंती की रौनक, यहां पर जुटते हैं हजारों श्रद्धालु। भक्तों को गर्मी से बचाने के लिए खास इंतजाम, 4-4 टन के 2 एयर कंडीशनर लगाए गए। आसनसोल लोकसभा उपचुनाव और अलग अलग राज्यों के 4 विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आज, आसनसोल में 1,00,000 वोटों से शत्रुघ्न सिन्हा। आसनसोल की जीत टीएमसी के लिए बेहद अहम, अभी तक इस सीट पर कभी नहीं मिली थी जीत, जश्न का माहौल। शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम सिन्हा ने सुबह सुबह की पूजा, पति की जीत की उम्मीद जताई। बालीगंज में विधानसभा उपचुनाव के लिए टीएमसी ने बाबुल सुप्रियो को दिया मौका, गिनती में चल रहे हैं आगे। वोटों की गिनती को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, पुलिस की तैनाती।